अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अजमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। प्लैनेटरी पोजीशन में कुछ चेंजेस हैं जिस पर आपको गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि टाइम आपके लिए फेवरेबल है, बट सलाहियतों में कुछ अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। मैंने अपने 23 साल करियर में ये देखा है कि अगर रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो तो तबीयत में लापरवाही का उंसर बढ़ने लगता है। अपॉर्चुनिटीज समटाइम बंदा अपनी सुस्ती की वजह से मिस करता है। कई अपॉर्चुनिटीज को वो एस्टिमेट इस तरह करते हैं कि उन्हें कैप्रिकॉर्नियंस को लगता है कि हम ये कर नहीं पाएंगे, जबकि वो कर सकते होते। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन एनुअल है, ये चलेगी तो लंबी, लेकिन इस वक्त जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं वो उसकी रिप्लेसमेंट का काम करेंगे, वो आपको फेवर्स देंगे। ज़्यादा डिपेंड आपको अपनी सलाहियतों पर ही करना होगा। आप अपनी ज़हनी काबिलियत को, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आप अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ को, आप अपनी सख्त मेहनत को बुरुएकार लाते हुए अपनी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। इन सेक्टर्स में जिसमें स्ट्रेंथ चाहिए, परफॉर्मेंसेस चाहिए, उसके लिए जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो आपके लिए फेवरेबल है। जैसे इस वक्त मार्स आपके 9th एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के एतबार से मार्स 9th एंगल पर आइडियली कैप्रिकॉर्नियन नेचर को फेवर देता है। जिस्मानी कुव्वत, कंपटीशन एबिलिटी, लर्निंग स्किल्स, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड दीगर वो कामयाबियां जो आप एरिया वाइज करते हैं, मतलब अपने इलाकाई या अपने एरिया में, या फिर आप इंटरनेशनली अपनी चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, उनको फेवर करता है। इसमें हिजरत भी आ जाती है, इसमें आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना भी आ जाता है, इसमें आला तालीम लोकली अगर अचीव करनी हो, एग्ज़ाम प्रिपरेशंस करनी हो, वो भी आ जाते हैं। मार्स की ये फेवर आपके कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी होगी। मार्स की ये फेवर आपकी एंग्जाइटी या फिक्र को दूर करने के लिए काफ़ी होगी। लेकिन मार्स 9th एंगल पर अकेला नहीं है, वहाँ मरकरी भी आपको सपोर्ट कर रहा है और वो 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी एक साल में एक दफ़ा 9th एंगल पर से गुजरता है। यहाँ पर वो मैक्सिमम फेवर्स देता है, आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी मैजिकल कम्युनिकेशन, आपका पब्लिक इमेज, आपकी राइटिंग स्किल्स एंड इवन कॉन्सनट्रेशन, कुव्वत हाफजा, इन सब चीज़ों को भी वो फेवर देता है। एक तरफ आपको जिस्मानी कुव्वत मिली, दूसरी तरफ आपको ज़हनी कुव्वत मिली। मुझे लगता है बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर कि इन दोनों कम्बिनेशन से आप अपने ज़्यादातर मकासद आसानी से पूरे कर जाएंगे, चाहे आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड ही चल रहा हो। आपके प्लान्स अफेक्टिव होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, एग्जेक्टिव होंगे, ईजी होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे।